गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना कन्हैया, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार नए ब्लॉग में। देखिए, मुझे पता है गर्मी आती है तो आप जो है वाटर पार्क जो है ढूंढना शुरू कर देते हो, तो इस गर्मी में मैं आपको ठंडा का एहसास दिलाने आया। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मुंबई के नजदीक विरार में ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क में, जो कि बहुत ही शानदार है। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट जो है वो बना के रखा है 2023 का, लेकिन 2024 में कुछ अपडेटेड वर्जन है, वो क्या है इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर 700 के अंदर में आपको अच्छा सा बजट रिजॉर्ट जो देख रहे हो, तो ये ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क जो है वो आपके लिए हो सकता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, क्या होगा लॉकर प्राइस या फैमिली रूम, या फिर क्या होगी एंट्री टिकट, कैसे होगी स्लाइड, वेव पूल, एवरीथिंग जो है मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो में बताने वाला। तो ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो कहीं पसंद आए तो लाइक करना। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क जाने के लिए आपको विरार स्टेशन पर आना पड़ेगा। बाहर जैसे आप निकलेंगे, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस आपको वाटर पार्क की तरफ से फ्री में मिल जाएगी, जहां पर आपको एक बस देखने के लिए मिलती है। इस बस में आपको लेकर जाया जाएगा, तो पिक एंड ड्रॉप वाटर पार्क की तरफ से फ्री रहता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर आपको पार्किंग की सेवा भी जो है वो उपलब्ध है, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। एंट्री फी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 700 रुपये एडल्ट के, बच्चों के 400 रुपये, रूम के चार्जेस 1000 रुपीज़ हैं, लॉकर चार्जेस 200 रुपीज़ हैं। और अगर बात करें यहाँ पर खाने पीने की, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी और वेव पूल, और टाइमिंग जो है क्या है, बिग स्लाइड्स की टाइमिंग क्या है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखा देता हूँ मैं। ये है लॉकर यहाँ पर, और अंदर जाते ही यहाँ पर एक अलग ही वाइब है, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क जो है विरार का मोस्ट फेमस और बहुत ही बेहतरीन वाटर पार्क है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एंट्री करते ही हमें सबसे पहले कर लेना है नाश्ता। नाश्ते में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं मिसल पाव पोहे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थे। फिलहाल मुझे ये रूम दिया गया है, और ये रूम में आपको एक इंटीरियर दिखा देता हूँ अंदर का कैसा है। कुछ इस तरह से आपको एक बेड मिल जाएगा सामने, मैं दिखा देता हूँ ये बेड, और वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। फिर मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, अटैच वॉशरूम है कुछ इस तरह से। So, हम लोग ने जो है अब चेंज कर लिए कपड़े, अब आप जो फुटेज देख रहे हो वो है GoPro Hero 10 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्लाइड्स जो है यहाँ के, वो एंजॉयमेंट लेते हैं। आ जाओ वाटर पार्क में जाते हैं। सबसे पहले मैंने चूज किया ट्यूब वाली स्लाइड, क्योंकि ये स्लाइड जो है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। वाटर पार्क में गए और मैट रेसर पहले नहीं किया तो फिर क्या ही किया, क्योंकि मैं पहले बहुत डरता था मैट रेसर में करने के लिए, लेकिन अब इतने वाटर पार्क के वीडियोस बना लिए कि अब डर जो है बिल्कुल भी नहीं रहा। चलिए करते हैं मैट रेसर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो तीन बड़े बड़े स्लाइड्स जो है वो हमने कर ही लिए, अब यहाँ पर दो लंबे लंबे स्लाइड्स हैं, वो उसे करने वाला है मेरे साथ में आए हुए मेरे छोटे से प्यारे से दोस्त, तो वो करेंगे वो स्लाइड को। चलिए उन्हें देखते हैं। ऊंचाई से वाटर पार्क को देखने में ऐसा लगता है कि क्या ही जगह है भाई साहब, दिल खुश होता है देख के। तो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हैं जो और भी बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, तो ये वाली स्लाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, लंबी है और एकदम से आपको पानी में लेके आती है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है वो। ये वाली स्लाइड इतनी ज़्यादा स्मूथ थी कि मतलब आप इस पर अगर जब जाओगे तो ये एकदम से आपको तुरंत पानी के अंदर लेके आती है। सो ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क में न्यू अपडेट आई है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्ले एरिया बनाया गया है, जहाँ पर आपको छोटे छोटे बड़े बड़े स्लाइड जो है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, बच्चों के साथ साथ में यहाँ पर बड़े भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। और मैंने सोचा ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ अंदर और देखता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क में तब आई थिंक उसका काम जो है वो चल रहा था, लेकिन फाइनली अब जो है ये
बहुत ही बढ़िया शिप वाला कंस्ट्रक्शन जो है थेम जो है वो चालू हो चुका है यहाँ पे, और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी, और ऐसा लगेगा आप किसी शिप पर हो, जैसे कि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जहाज़ होती है पानी वाली, तो हमेशा पानी जो है वो आपके ऊपर गिरते रहेंगे। और कुछ स्लाइड्स हैं यहाँ पर जिससे बच्चे तो इन्जॉय कर रहे थे, बड़े भी जो है काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, चलो मैं भी एक स्लाइड जो है वो ट्राई कर लेता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो अभी मैं यहाँ से जो है ये वाली स्लाइड जो है वो ट्राई करूँगा, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्लाइड है ये, मतलब इस पर जाते ही तुरंत मैं नीचे पहुँच गया, मतलब मज़ा आ गया भाई साहब, दिल खुश हो गया। तो अगर आप आ रहे हो या आपके बच्चे आ रहे हैं या बच्चे अगर आप देख रहे हो तो ये स्लाइड जरूर ट्राई कीजिएगा, ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क में बहुत ही ज़बरदस्त था। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इतनी इन्जॉयमेंट करने के बाद भूख तो है लगनी ही है, ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर खाने में क्या क्या मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलेड है सबसे पहले, और यहाँ पे हमें पाव मिल जाते हैं, और गर्मा गर्म पूरी है, और राइस यहाँ पर आप देख सकते हो, साथ ही साथ में ये दाल है, और नॉन वेज है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको चिकन करी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर, बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पर आ जाता है मेरा फेवरेट चिकन चिली, जी हाँ चिकन चिली आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त, और ये जो चीज़ था वो बहुत ही लाजवाब था हलवा, मेरा तो दिल खुश हो गया। और वेज काउंटर की बात करें तो वेज में आपको खाना मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको मैं दिखा दूँ सेम एज यूजुअल यहाँ पर सैलेड रखा हुआ है, और ये आ गई हमारी राइस, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है दाल, और दाल के साथ साथ यहाँ पर हमें दो टाइप की जो है सब्जी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें से एक पनीर की थी, और यहाँ पर ये मिल जाता है पापड़ टाइप है, और यहाँ पर हलवा है, बहुत ही मज़ेदार था। खाना पीना खा लिया, अब बारी है रेन डांस में डांस करने की। तो मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ में आया, तो उसने मुझे कहा मुझे बहुत ज़ोर से डांस आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है तुझे अगर बहुत ज़ोर से डांस आ रही है तो तू डांस कर ले, तो भाई साहब उसका डांस देखते हैं, चलो। नहीं 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 यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो अब सब ने डांस किया तो मेरा भी डांस जो है वो निकल रहा था, तो मैंने सोचा निकाल देता हूँ थोड़ा सा डांस, मैंने भी ट्राई कर लिया वो जो कि फ़नी मेरा डांस रहता है हमेशा। तो कुछ इस तरह से जो है रेन डांस में सभी इन्जॉय कर रहे थे। वाटर पार्क में अगर आपको वाटरफॉल मिल जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है, तो यहाँ पर नीचे और ऊपर आप दोनों इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े हों। और ये शिप वाली थेम तो आपने देखा, ये तो भाई लाजवाब थी। तो शिप वाली थेम के बाजू में ही वाटरफॉल है, और वाटरफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। और अगर वाटरफॉल के दीवाने हो तो वाटर पार्क में वाटरफॉल मिल जाए तब तो भाई मज़ा ही मज़ा होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी इन्जॉयमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मुंबई में आप जानते हैं गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके बाद वाटरफॉल जब आपके सर पे गिरती है पानी तो फिर उसका अलग ही मज़ा होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी इन्जॉयमेंट ले ली वाटरफॉल की, और मेरे दोस्त ने भी साथ ही साथ में इन्जॉयमेंट ले ली। तो चलिए यहाँ पर मिल गए हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारे साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, और यहाँ पर ढेर सारे और भी बहुत सारे स्लाइड। वाटर पार्क में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वो होता है वेव पूल, और वेव पूल में आप नहीं नहाए तो फिर क्या ही क्या, क्योंकि वेव पूल जो है वाटर पार्क का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ऐसा वेव पूल जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं वेव्स आएँ तो वो मैं तो बिल्कुल नहीं मिस करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर यहाँ पर लोग जो है वो कितनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ एन्जॉयमेंट करने के लिए मैं भी पहुंच चुका था वेव पूल के अंदर, और वेव पूल के अंदर आप ये देख सकते हो क्या ही भीड़ थी भाई साहब, मतलब मैं तो देख के खुश हो गया, क्योंकि लोग जो एन्जॉयमेंट कर रहे थे और जो वेव्स आ रही थी, दोनों वेव और एन्जॉयमेंट मिला के एक बड़ा धमाका हो रहा था बहुत ही एन्जॉयमेंट का। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड का वेव पूल जो है पूरा खचाखच एकदम फुल आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर से तो हमने देख लिया कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, कुछ इस तरह से पब्लिक जो है वो एन्जॉयमेंट कर रही थी, तो अंदर से कैसे दिखाया जाता है, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे भी इंजॉयमेंट कर रहे थे साइड में पीछे बैठ के, और बच्चों के पेरेंट्स भी इंजॉयमेंट कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं ड्रीम वर्ल्ड के वेव पूल के अंदर। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी तो ये शुरुआत है, जी हाँ साल लग गया 2024 का, इस साल में मैं आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया मनाली का वीडियो भी जाके देखिएगा, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ जो है वो मैंने अपने चैनल पर बना के रखे हैं। जुड़िए मेरे साथ में, ट्रैवल कीजिए मेरे साथ में वर्चुअली, हम और आप यानी मैं और आप ढेर सारा इस साल में मज़े करने वाले हैं, ठीक है। तो
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। कहीं भी अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एक छोटा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए यूं ही ढेर सारे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट जो है वो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय।